दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है अपने सेफ्टी मिथ चैनल पे, जहाँ नो कॉपी पेस्ट नो टाइम वेस्ट, लेकिन दोस्तों कोशिश करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन देने की बेस्ट। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। अक्सर हम लोग ऑडिट देखते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं, लेकिन एज अ सेफ्टी ऑफिसर दोस्तों ये हमें कन्फर्म होना चाहिए, हमारा डाउट क्लियर होना चाहिए कि ऑडिट और इंस्पेक्शन में क्या फ़र्क होता है दोस्तों। और दोस्तों इसके लिए मैं 10 से 11 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जिसमें पहला पॉइंट दोस्तों, शॉर्ट में क्या कहते हैं ऑडिट को, क्या कहते हैं इंस्पेक्शन को, क्या कहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, किस चीज़ का ऑडिट करते हैं और किस चीज़ का इंस्पेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, ये थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों, टेक्निकल टर्म में ऑडिट को क्या कहते हैं और इंस्पेक्शन को क्या कहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, ये बात करने वाले कब करते हैं ऑडिट और इंस्पेक्शन, कब कब करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, क्यों करते हैं, क्या रीज़न उसके पीछे है। फिर उसके बाद कौन करता है, ऑडिट करने वाला कौन बंदा होता है, इंस्पेक्शन कौन करने वाला बंदा होता है। फिर उसके बाद कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं, कितने टाइप्स के इंस्पेक्शन होते हैं। फिर उसके बाद किस बेस पे ऑडिट करते हैं, किस बेस पे इंस्पेक्शन करते हैं, किसके लिए करते हैं ऑडिट, किसके लिए करते हैं इंस्पेक्शन, किसके लिए करते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑडिट हो जाएगा, इंस्पेक्शन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इट मीन्स क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट होता है, क्या रिजल्ट शो करते हैं ऑडिट और इंस्पेक्शन में, क्या फ़र्क है इन तीनों, इन सब, इन दोनों में। फिर उसके बाद इन सब को दोस्तों एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ऑडिट और इंस्पेक्शन में फ़र्क क्या होता है दोस्तों। तो आइए एक एक करके पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो हमारा है शॉर्ट। ऑडिट को शॉर्ट में पास्ट कहते हैं, सिंपल समझने के लिए दोस्तों, ऐसा कोई ये नहीं है, समझने के लिए इसको पास्ट कहते हैं। और इंस्पेक्शन को दोस्तों प्रेजेंट कहते हैं। अब आपके मन में होगा कि पास्ट क्यों कहते हैं दोस्तों, वो इसलिए कहते हैं दोस्तों, पास्ट ऑडिट में क्या होता है कि हाउ द थिंग्स हैपन, काम कैसे हुआ था पास्ट में, ये वेरीफाई करते हैं ऑडिट में। और इंस्पेक्शन में क्या होता है, एक्चुअली वी आर डूइंग इट, हम लोग कर रहे होते हैं इंस्पेक्शन में, या तो उसका स्टेटस पता होता है हमें, सही था या गलत था, वो हमें चेक करते हैं वो। फिर इसके बाद दोस्तों, अगर थर्ड पॉइंट की बात करो दोस्तों सिंपल में, और इसको सिंप्लीफाइड करो दोस्तों, तो ऑडिट का मतलब ये होता है दोस्तों, कि टू सी द सिस्टम इज इफेक्टिवली वर्किंग और नॉट सिंस द लास्ट ऑडिट, जो लास्ट टाइम जो ऑडिट हुआ था, अब तक के बीच में हमें ये चेक करना है जो मैनेजमेंट है, जो सिस्टम है, वो इफेक्टिवली काम हो रहा है कि नहीं ऑन द ग्राउंड, ये चेक करना है। और ऑडिट सॉरी और इंस्पेक्शन का मतलब ये होता था जो फुलफिलिंग द स्पेसिफिकेशन, जो भी स्पेसिफाइड उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ, वो इंस्पेक्शन में होता है दोस्तों। और इसको सिंप्लीफाइड करो दोस्तों, और इसको सिंप्लीफाइड करो तो आप एग्जांपल समझाना चाहता हूँ दोस्तों। ये देखिए, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है ये अपना, तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर ऑडिट में क्या हो दोस्तों, ये फायर एक्सटिंग्विशर में आप क्या चेक करोगे, इसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्टेड हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है तो उसका एविडेंस शो कीजिए, इसका हाइड्रो टेस्ट कब हुआ है वो एविडेंस शो कीजिए, जो ऑडिटर रहेगा उसको आप वो आपको शो करना रहेगा, मंथली इंस्पेक्शन जो हो रहा है वो आपको रिपोर्ट शो करना रहेगा, इसका जो मंथली जो टैग होता है इंस्पेक्शन टैग होता है वो आपको शो करना रहेगा कि हाँ हर महीने हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्या होगा ऑडिट में होगा। और इंस्पेक्शन में क्या होता है, सिंपली हम फायर एक्सटिंग्विशर ही चेक करते दोस्तों, उसका नोजल ठीक है कि नहीं, ये वर्किंग है कि नहीं है। और ऑडिट में जो ऑडिट जो भी इसका जो भी इसका टाइम है, कब कब करना है, जैसे किसी कंपनी मंथली होता है, किसी कंपनी वीकली होता है, तो जब जब इसका टाइम दिया गया उस टाइम के हिसाब से चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चेक करना। लेकिन ऑडिट में क्या है, कब क्यों कहाँ कैसे, ये है पूरा वो चेक करना दोस्तों, इसी का नाम ऑडिट है। इसको और सिंपल मैं बताऊं दोस्तों, तो ऑडिट का मतलब होता है दोस्तों इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में इंटरव्यू होता है, पूछा जाता है कब कहाँ क्यों कैसे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन हो गया ऑडिट, सिंपल से नहीं समझे। और इंस्पेक्शन का मतलब दोस्तों और भी सिंपल करूँ तो एक तरह से चेकिंग हो गया दोस्तों। और दोस्तों और आगे हम बढ़ते हैं, ऑडिट किस बेस पे करते हैं दोस्तों, क्या रेफरेंस यूज करते हैं दोस्तों। तो ऑडिट में दोस्तों जो रेफरेंस यूज करते हैं वो क्लॉज यूज करते हैं, चाहे आपका ISO 45001 हो गया या एनवायरमेंट का हो गया या क्वालिटी का हो गया, तो उसके क्लॉज के बेस पे रेफरेंस यूज करते हैं कि हाँ इस क्लॉज में ऐसा है तो ये काम ऐसे नहीं है, क्लॉज रेफरेंस देते हैं। और इंस्पेक्शन में क्या दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ चेकलिस्ट के बेस पे इन लोग काम करते हैं, हाँ भाई ये ऐसा एंड ऑल। फिर दोस्तों अगला जो पॉइंट दोस्तों वो हमारा है किस चीज़ पे करते हैं ऑडिट, किस चीज़ का करते हैं दोस्तों। तो ऑडिट जो होता है दोस्तों वो मैनेजमेंट सिस्टम का होता है कि इफेक्टिवली है कि नहीं है। और इंस्पेक्शन जो होता है दोस्तों वो डिपेंड करता है इक्विपमेंट का हो सकता है, साइट का हो सकता है, एंड सो ऑन। फिर इसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारा वो है टेक्निकल टर्म में दोस्तों। टेक्निकल टर्म में अगर यूं समझे तो इसे क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं, जिसे QA कहते हैं ऑडिट को। और QC हमारा इंस्पेक्शन हो गया, जो चेक करना है मतलब रिजेक्ट हो गया या फेल हो गया, वो QC का काम होता है वो।
फिर उसके बाद दोस्तों सेवन्थ पॉइंट जो दोस्तों वो हमारा वो है असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब ऑडिट करने के लिए क्या किसी की जरूरत पड़ती है। हाँ दोस्तों ऑडिट ऑडिट करने के लिए एक ऑडिटी होना चाहिए जो आपको गाइड करेगा, जो आपको जिसे आप एविडेंस मांग सकते हो, वो आपको जस्टिफाई करेगा हाँ ये इसका ये एविडेंस है एंड ऑल। तो ऑडिटी चाहिए ऑडिट करने के लिए। इंस्पेक्शन करने के लिए इट डिपेंड करता है, एक बंदा अकेले भी कर सकता है, दो लोग के साथ मिल सकता है, किसी टेक्निकल के साथ भी कंबाइन इंस्पेक्शन कर सकता है या अकेले भी कर सकता है, डिपेंड करता है। फिर इसके बाद दोस्तों आठवां जो पॉइंट है दोस्तों पर्सन, कौन बंदा करता है ऑडिट करने के लिए। जो बंदा सर्टिफाइड ऑडिटर ही इंस्पेक्शन करता है दोस्तों, और इंस्पेक्शन जो दोस्तों वो फॉरमैन भी कर सकता है, इंजीनियर भी कर सकता है, या टेक्नीशियन भी कर सकता है, या जो असाइन किया होगा वो भी कर सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों नाइन्थ पॉइंट जो हमारा दोस्तों फ्रीक्वेंसी, तो ऑडिट की क्या कब कब होता है, ऑडिट फ्रीक्वेंसी क्या है इसका दोस्तों। तो ऑडिट का दोस्तों फ्रीक्वेंसी मिनिमम क्वार्टरली होता है, कहीं पे सिक्स मंथ में होता है, कहीं पे ईयरली होता है, कभी वंस इन ए टू ईयर होता है, तो डिपेंड करता है ऑडिट दोस्तों। फिर इसके बाद इंस्पेक्शन कैसे, ये डिपेंड करता है कि कहीं पे डेली बेसिस पे भी हो सकता है इंस्पेक्शन, मंथली बेस पे भी हो सकता है, या जैसा रिक्वायर्ड रहा। फिर इसके बाद दोस्तों टेंथ पॉइंट जो हमारा दोस्तों वो ये है कि शेड्यूल। हाँ दोस्तों ऑडिट जो है वो प्लान्ड होता है, कभी भी वो आप क्लाइंट को जो भी कोटेशन भेजेगा वो वहाँ से ओके होगा, तभी ऑडिटर आकर ऑडिट करने के लिए, क्योंकि उसको असिस्टेंट भी चाहिए, मदद भी करना चाहिए, उसको हेल्प भी करना चाहिए ऑडिट के लिए। तो ऑडिट कभी भी है प्लान होता है, लेकिन इंस्पेक्शन क्या दोस्तों एक रूटीन जॉब की तरह होता है। इलेवंथ पॉइंट दोस्तों वो रिजल्ट क्या दोस्तों, ऑडिट करने के बाद दोस्तों जो क्या होता है नॉन कंप्लाइंट क्या एनसी रेज होगा, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन हो सकता है, या अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट भी हो सकता है, या ऑडिट में आएगा। और इंस्पेक्शन में क्या दोस्तों पास या फेल उसका स्टेटस शो करेगा हाँ ये। ट्वेल्थ पॉइंट जो दोस्तों वो ये है कि टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों ऑडिट, ऑडिट जो होता है दोस्तों वो इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, और भी स्पेसिफिक की बात करूँ तो सेफ्टी ऑडिट हो गया या फायर सेफ्टी ऑडिट हो गया, और इंस्पेक्शन की बात करूँ दोस्तों तो सिंपल जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन हो गया या साइट इंस्पेक्शन हो गया एंड सो ऑन, मंथली इंस्पेक्शन हो गया, फुल बॉडी हार्नेस इंस्पेक्शन हो गया। तो ये तरह एक तरह से इंस्पेक्शन हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गए इंस्पेक्शन के दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप